प्रीतमपुर और आसपास के गांव में सेठ धनीराम से बड़ा कोई भी सेठ नहीं था। वह बहुत कंजूस था। उसे कभी भी धन कमाने से संतोष नहीं होता था। दूर दूर से गरीब लोग सेठ धनीराम के खेतों और हवेली में काम करने आते थे और शाम को जब सभी काम करके वापस जाते तो सेठ धनीराम सभी को 2 किलो अनाज मजदूरी के रूप में देकर उसमें से 2 मुट्ठी अनाज निकाल लेता था। यदि कोई गरीब रुपए उधार मांग कर ले गया और लौटाने में देर हो जाती तो वह उन्हें कोड़े से पिटवाता था, इसलिए सभी उससे बहुत डरते थे। एक दिन शाम को जब वह सभी मजदूरों को उनकी मजदूरी दे रहा था तभी एक पति पत्नी रोते हुए सेठ से मदद मांगने के लिए आए। सरकार, मेरे बच्चों की तबीयत बहुत खराब है, इलाज के लिए 200 रुपए दे दीजिए, इस गरीब की दुआ लगेगी आपको। मुझे तुझ जैसे गरीब की दुआ नहीं चाहिए। मुनीम जी, जरा इस कलुआ का पिछला हिसाब देकर बताइए तो, इसे मुझे दुआ देना चाहिए या कुछ और? हुजूर, असल के 500 और ब्याज के 1600, कुल मिलाकर 2100 रुपए और 40 किलो अनाज। जा, पहले ब्याज के 1600 रुपए जमा करा। रहम करें हुजूर, बच्चे की जान बचा लीजिए। ठीक है मुनीम जी, कलुआ के ब्याज में 10 रुपए कम कर दीजिए और इसे 10 कोड़े लगवाने के बाद 200 रुपए दे दीजिए। इसके बाद कलुआ को सबके सामने कोड़ों से पीटा जाता है और कोई भी उसे बचाने के लिए आगे नहीं आता है। सत्यानाश हो ऐसे सेठ का, देखना यह भी एक दिन तड़प तड़प कर मरेगा या चिल्लाता रहेगा और कोई बचाने वाला नहीं होगा। हाय लगेगी सेठ को, हाय। आओ सुखीराम, आओ और सुनाओ कैसे हो? सब सेठ जी की मेहरबानी है हुजूर, वही तो हम लोगों के माई बाप हैं। लेकिन सब लोग तो उन्हें बुरा भला और कंजूस कहते हैं। लोग कुछ भी कहें हुजूर, लेकिन हमारे लिए हमारे अन्नदाता तो वही हैं। वैसे मुनीम जी, अगर आप नाराज ना हो तो एक बात पूछूं आपसे। पूछो सुखीराम, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? हम तो बस इतना जानना चाहते हैं कि हमें अनाज देने के बाद सेठ जी उसमें से 2 मुट्ठी अनाज निकाल क्यों लेते हैं? वो तो सेठ जी हर साल भगवान के दरबार में तुम सभी के नाम से भंडारा जो कराते हैं, बस इसीलिए और कुछ नहीं। वाह मुनीम जी, क्या बात है, भगवान ऐसे भले आदमी का हमेशा भला करे। इसके बाद सुखीराम वापस अपने गांव चला जाता है। उस दिन से सुखीराम भी अपने घर में रोज 1 मुट्ठी अनाज निकाल कर अलग रखने लगा। एक दिन, मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ, आप हर दिन 1 मुट्ठी अनाज निकाल कर क्यों रख देते हैं? हमारे बच्चों का पेट नहीं भरता होगा। भाग्यवान, सेठ जी भी भंडारा करने के लिए 2 मुट्ठी अनाज रख लेते हैं, तो क्या हम किसी अतिथि या गरीब के लिए 1 मुट्ठी अनाज निकाल कर नहीं रख सकते? सेठ का क्या, वो तो कंजूस और लुटेरा है। शुभ शुभ बोलो भाग्यवान, सेठ जैसा भी है हम उसी का दिया हुआ खाते हैं, उसकी करनी और उसके भाग्य के लिए हम क्यों अपना मन दुखी करें। एक शाम जब सुखीराम काम से लौट रहा था तो रास्ते में उसने एक ब्राह्मण और उनके 2 शिष्यों को आते हुए देखा। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? आप यहाँ के तो नहीं लग रहे हैं। हम भिक्षु हैं और बहुत दूर से आ रहे हैं, अंधेरा हो जाने के कारण कुछ समझ नहीं आ रहा कि कहाँ जाएं। अगर ठहरने का कोई उचित स्थान हो तो हमें बताइए। भगवान, इस समय आप लोग कहाँ जाएंगे? अगर आप सब आज के दिन हमारे यहाँ विश्राम करें तो हमें बहुत खुशी होगी। सुखीराम उन सभी को लेकर अपने घर चले जाता है। घर जाकर वह रोज की तरह 1 मुट्ठी अनाज अलग रख लेता है। इसके बाद पति पत्नी मिलकर सभी ब्राह्मणों का आदर सत्कार करते हैं। भोजन करने के बाद तीनों ब्राह्मण रात्रि में वही विश्राम करते हैं। सुबह होने पर जब वह ब्राह्मण जाने लगे तो उन्होंने अपने थैले में से 1 शंख निकालकर सुखीराम को देते हुए कहा, आप सबने हम अनजान अतिथियों का जो सेवा सत्कार किया है, हम सब उससे बहुत प्रसन्न हुए। यह चमत्कारी शंख है, आप इसे लाल कपड़े में ढककर रख दीजिए और जब भी मन में कोई इच्छा हो तो आप इस शंख से मांग लीजिएगा, आपको सब कुछ मिल जाएगा। अच्छा, अब हम चलते हैं। इस प्रकार वह ब्राह्मण वहां से चले गए। सुखीराम ने शंख को कपड़े में लपेट कर रख दिया और काम पर चला गया।
उधर जांग की पूजा करने के बाद शंख के सामने प्रार्थना करने लगती है। हे नारायण, हम गरीब के बच्चों ने आज तक कोई मेवा मिष्ठान नहीं खाया है। अगर आप हम पर प्रसन्न है तो कृपा करके बच्चों के लिए मेवा मिष्ठान देने की कृपा करें। इतना कहते ही उसके सामने ढेर सारी मिठाइयां आ गई। यह सब देखकर जानकी बहुत हैरान हुई, लेकिन प्रसन्न भी थी। उसने शंख को फिर से लाल कपड़े में लपेट कर रख दिया। शाम को जब सुखीराम वापस आता है तो जानकी उसे प्रसाद देती है। प्रसाद देखकर सुखीराम हैरान हो जाता है। ये इतना बढ़िया प्रसाद आया कहाँ से? यह प्रसाद हमें उस चमत्कारी शंख ने दिया है जो हमारे अतिथि ने हमें दिया था। अच्छा, अगर ऐसा है तो हम कभी उसका गलत प्रयोग नहीं करेंगे। जी आप सही कह रहे हैं, क्यों ना हम इस शंख की सहायता से अपना कोई कारोबार शुरू कर दे, फिर हम और हमारे बच्चे अपनी मेहनत की कमाई खाएंगे। तुम्हारा सुझाव एकदम सही है, हमें ऐसा ही करना चाहिए। और सुखीराम ने अपनी चमत्कारी शंख की सहायता से अपना व्यवसाय शुरू कर दिया। उनकी मेहनत से कारोबार में तरक्की होने लगी। कई दिन बीत जाते हैं, फिर एक दिन सुखीराम प्रसाद लेकर सेठ धनीराम के पास जाता है। प्रणाम सेठ जी। अरे सुखिया, तुम इतने दिन से कहाँ थे और आजकल तुम काम पर भी नहीं आ रहे हो? अरे सेठ जी, ये लीजिए, पहले प्रसाद खा लीजिए। ये प्रसाद तो बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ता है, कहाँ से लाए हो ये प्रसाद? बहुत स्वादिष्ट है। ये सब तो आपका ही आशीर्वाद है सेठ जी। एक दिन मैं काम से वापस अपने घर जा रहा था। सुखीराम ने सारी बात सेठ को बताई। चमत्कारी शंख, ये कैसा शंख है? क्या तुम मुझे उस शंख के दर्शन नहीं कराओगे? क्यों नहीं सेठ जी, मैं कल ही वो शंख आपके पास लेकर आता हूँ। नहीं नहीं, उसे देखने के लिए कल मैं खुद तुम्हारे घर आऊँगा। और अब तुम किसी को कुछ बताना नहीं, ऐसी बातें किसी को बताया नहीं करते। ठीक है सेठ जी। अगले ही दिन सेठ अपने कुछ आदमियों के साथ सुखीराम के घर जाने के लिए निकलता है। देखो, मुझे वो शंख अपने घर लेकर आना है, अगर नहीं मिला तो छीन कर लाना है। जो हुकुम सेठ जी। इतनी लालच ठीक नहीं, हमारे पास भगवान ने पहले से ही सब कुछ दिया है, हमारी तो कोई संतान भी नहीं है, क्या करेंगे हम इस धन का? तुम चुप रहो, अपनी बकवास बंद करो और अंदर जाओ। इसके बाद सेठ अपने आदमियों और मुनीम के साथ सुखीराम के घर पहुंच जाता है। सुखीराम और उसकी पत्नी सेठ धनीराम की खूब सेवा करते हैं। अरे सुखीराम, इतना बढ़िया नाश्ता तो हमने कभी सेठ जी के घर भी नहीं किया। ये क्या कह रहे हैं मुनीम जी? अरे अरे कुछ नहीं हुजूर, वो तो बस। अरे हुजूर, कहाँ आप और कहाँ हमारा गरीब खाना, भला ये भी कोई बात हुई? मुनीम जी तो बस ऐसे ही हमारा मजाक उड़ा रहे थे। हाँ हाँ, तुम सही कह रहे हो सुखीराम। अरे सुखीराम, अब जरा उस चमत्कारी शंख के दर्शन हमें भी तो करा दो। अरे जानकी, जरा सेठ जी को भी वो शंख के दर्शन तो करवा दो। जानकी को यह बात बहुत अजीब लगी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और शंख लाने चली गई। यह देखिए सेठ जी, हमारा शंख। कितना सुंदर है ये चमत्कारी शंख। थोड़ा पानी पिला देंगी क्या हमें? क्यों नहीं, अभी लेकर आई। अरे सुखीराम, जाकर कह दो थोड़ा प्रसाद भी दे देंगी तुम्हारी मालकिन के लिए। जी सेठ जी, मैं अभी आया। जानकी और सुखीराम के जाने के बाद सेठ ने उस शंख को अपने झोले में रखे दूसरे शंख से बदल दिया। जानकी और सुखीराम जब वापस आए तो सेठ ने पानी पिया और प्रसाद लेकर अपने आदमियों के साथ वहाँ से चला गया। बहुत होशियार समझ रहा था वो सुखीराम अपने आप को। लेकिन सेठ जी, क्या सचमुच कोई चमत्कारी शंख है भी या बस यूं ही? मुनीम जी की बात सुनकर सेठ को शक हो जाता है और वह शंख निकाल कर उसे देखने लगता है। आप सही कह रहे हैं मुनीम जी, हमें इसे आजमाना चाहिए, लेकिन हम क्या मांगे? आए तो हम लोग पैदल थे, क्यों ना हाथी घोड़े पर वापस चला जाए? हाँ ठीक है मुनीम जी, सही कह रहे हैं आप। इन सब के बीच सेठ यह तो भूल ही गया कि वह नदी के बीच में नाव पर सवार है। वह बिना कुछ सोचे समझे शंख को आजमाने लगता है। हे चमत्कारी शंख, हमें हाथी और घोड़ा चाहिए। इतना कहते ही उस नाव पर हाथी और घोड़े आने लगते हैं। वह छोटी सी नाव भला हाथी और घोड़े का वजन कहाँ से संभाल पाती। नाव डगमगाने लगती है और देखते ही देखते सेठ जी, मुनीम और उनके सभी आदमी नदी में ही डूब जाते हैं।
सभी के सभी लालच के चक्कर में स्वर्ग को चले गए। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी मेहनत और इज्जत की रोटी खानी चाहिए, कभी दूसरे को देखकर लालच नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ना अलग बात है और लालच करके आगे बढ़ना वो अलग बात है।